यदि आपके पास समय की कमी है तो परिक्रमा नहीं लगाओ, बाद में लगा लेना चल जाएगा। लेकिन परिक्रमा जब भी लगाओ तो कम से कम तीन ही लगाना, एक या दो नहीं। क्यों? क्योंकि एक या दो परिक्रमा लगाने से अतिथि को, मेहमान को आधा पेट भोजन कराने से और एक हाथ से प्रणाम नमस्कार जुहार करने से, जो आप लोग ऐसे ऐसे कर लेते ना, या फिर ऐसे पाए लगूंगे जो धोक देऊं, जो भी देते हो, पैर कैसे छू लेते एक हाथ से, ऐसे ही मंदिर आया, रास्ते से आप जा रहे हो तो हाथ एक ऐसे लगाया और ऐसे नमस्कार, बहुत से लोग कर लेते हैं। तो याद रखना, भगवान की एक या दो परिक्रमा लगाना, अतिथि को आधा पेट भोजन कराना और एक हाथ से प्रणाम नमस्कार जुहार करने से पुण्य छीण हो जाता है।